गुलाल संगठना के अध्यक्ष राजू झोड़े ने आरोप किया है कि पोंभुर्णा ग्रामीण रुग्णालय में अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में राजू झोड़े ने क्या कहा स्वयं उन्हीं की जुबानी। चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनके मतदार संघ पोंभुर्णा के ग्रामीण अस्पताल में सुविधाओं का बड़ा अभाव है और अस्पताल में डॉक्टर, दवाइयां, सोनोग्राफी मशीन, रक्त जांच मशीन की कमी है। साथ ही रुग्णवाहिका न होने से मृतदेह ले जाने के लिए सामान्य नागरिकों को ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यह बड़े दुख की बात है। तभी पालक मंत्री मुनगंटीवार ने इस ओर जल्द गंभीरता से ध्यान देकर सभी सुविधा उपलब्ध करा दे, अन्यथा उलगुलान संगठना की ओर से तीव्र आंदोलन करेंगे। ऐसा इशारा उलगुलान संगठना के अध्यक्ष राजू झोड़े ने दिया है। इस समय अस्पताल में जाकर राजू झोड़े ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए उपस्थित कर्मचारियों से संवाद साधा। इस समय राजू झोड़े, शंभव छिल्पे, जयपाल गेडाम, रूपेश निमसरकर, पंचशील तामगाड़के आदि की उपस्थिति थी। तो आइए सुनते इस संदर्भ में उलगुलान संगठना के अध्यक्ष राजू झोड़े ने और क्या कहा। पोंभुर्णा दवाखान्याची अत्यंत दुरवस्था आहे। पोंभुर्णा दवाखाना सरकारी दवाखाना ऑक्सिजन वर आहे असं आम्हाला वाटते। पोंभुर्णा तालुक्यातील आरोग्याची अवस्था पालकमंत्री साहेब मुनगंटीवार साहेब यांच्या क्षेत्रामध्ये ढसाळलेली दिसत आहे। या हॉस्पिटलमध्ये मुबलक स्टाफ नाही, तज्ज्ञ डॉक्टर नाही, ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था नाही, पोस्टमार्टम मर्च्युरीची सुद्धा दुरवस्था आहे। इथे व्यवस्थित इन्स्ट्रुमेंट नाही, औषधी गोळ्या इंजेक्शन नाही, वॉर्ड बॉईज नाही, पुरुष डॉक्टर नाही, इथे महिला आहे आणि महिला रात्री बेरात्री नोकरी ड्युटी कसे करतील। पालकमंत्री महोदय, आपण पोंभुर्ण्यात दवाखाना अत्यंत हाय स्पेस बनवले, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनवले, परंतु या बिल्डिंगमध्ये रुग्णांना लागणाऱ्या औषधी, डॉक्टर, बाकी इन्स्ट्रुमेंट, सोनोग्राफीसारख्या लॅबसारख्या अशा काही इथे दिसत नाही। म्हणून आपण लवकरात लवकर पोंभुर्णा हॉस्पिटलला सुसज्ज दवाखाना, डॉक्टर, पुरुष महिला डॉक्टर आणि वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट, औषधी गोळे, इंजेक्शन, ॲम्ब्युलन्सनी सुसज्ज करावे, अन्यथा उलगुलान संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही आंदोलन पुकारू। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधी वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।